जैसे हाईवे पे गाड़ी चलती है और चारों टायर पंचर हो गए। अब तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी और बीजेपी की बी टीम के बीच में लड़ाई है। हमने विपक्ष को साफ कह दिया कि अगर टीआरएस इस मीटिंग में आएगी तो कांग्रेस पार्टी इस मीटिंग में नहीं आएगी। भ्रष्टाचार में आपके चीफ मिनिस्टर ने कोई कमी नहीं छोड़ी। कलेश्वरम प्रोजेक्ट में 1,00,000 करोड़ रुपए उन्होंने लिया छीना। धरनी पोर्टल के बारे में आपने मुझे भारत जोड़ो यात्रा के समय समझाया कि चीफ मिनिस्टर आपकी जमीन किस प्रकार से छीनते हैं। मिशन काकटिया में उन्हें जबरदस्त भ्रष्टाचार किया। समाज के हर सेक्टर को, हर सेक्टर से उन्होंने कुछ ना कुछ चोरी किया है। किसानों से, दलितों से, आदिवासियों से, युवाओं से, सबसे आपके चीफ मिनिस्टर ने धन छीना है। हमने पार्लियामेंट में बीजेपी के खिलाफ हम खड़े हुए, पार्लियामेंट में कांग्रेस पार्टी बीजेपी के खिलाफ खड़ी रही, मगर टीआरएस और आपके चीफ मिनिस्टर ने बीजेपी की बी टीम का काम किया। जब हमने किसान बिल का मुद्दा उठाया तो पार्लियामेंट में टीआरएस ने बीजेपी की पूरी मदद की। जो भी नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं आपके चीफ मिनिस्टर उनके लिए कर देते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी के हाथ में आपके चीफ मिनिस्टर का रिमोट कंट्रोल है। कुछ महीने पहले हम कर्नाटक में चुनाव लड़े, उधर भी एक भ्रष्ट सरकार थी, गरीब विरोधी सरकार थी। कांग्रेस पार्टी ने उस सरकार को परे कर दिया, हरा दिया। कांग्रेस पार्टी के साथ कर्नाटक में कर्नाटक का हर गरीब व्यक्ति खड़ा हो गया। एक तरफ बीजेपी और उनके अरबपति और दूसरी तरफ कर्नाटक के किसान, मजदूर, दलित, आदिवासी, छोटे दुकानदार, माइनॉरिटीज, पिछड़े लोग सब एक साथ खड़े हो गए। और वैसे ही तेलंगाना में होने जा रहा है। एक तरफ आपके चीफ मिनिस्टर, उनका परिवार और उनके 10-15 अरबपति मित्र, और दूसरी तरफ तेलंगाना के सब गरीब लोग, दलित, आदिवासी, पिछड़े, माइनॉरिटीज, छोटे दुकानदार, किसान, मजदूर। इसीलिए तेलंगाना में भी वही होने जा रहा है जो कर्नाटक में हुआ। पहले कह रहे थे कि तेलंगाना में टीआरएस, कांग्रेस और बीजेपी के बीच में लड़ाई है। तेलंगाना में बीजेपी नहीं बची, खत्म हो गई। उनको पता नहीं लगा, जैसे हाईवे पे गाड़ी चलती है और चारों टायर पंचर हो गए। अब तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी और बीजेपी की बी टीम के बीच में लड़ाई है। और जैसे हमने कर्नाटक में बीजेपी को हराया, वैसे ही हम यहां तेलंगाना में बीजेपी की बी टीम को हराने जा रहे हैं। देखिए, विपक्ष की मीटिंग हुई दिल्ली में, विपक्ष की मीटिंग हुई और विपक्ष के नेताओं ने कहा कि कांग्रेस पार्टी मीटिंग में टीआरएस को बुलाना है। हमने विपक्ष को साफ कह दिया कि अगर टीआरएस इस मीटिंग में आएगी तो कांग्रेस पार्टी इस मीटिंग में नहीं आएगी। हमने कहा कि टीआरएस बीजेपी की बी टीम है, हम उसके साथ नहीं बैठेंगे, हम उसको तेलंगाना से हटाएंगे। बीजेपी की बी टीम से हम समझौता कभी नहीं कर सकते। मैं एक और बात कहना चाहता हूं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहले कांग्रेस पार्टी को छोड़ गए। मैं आपको भी मैसेज देना चाहता हूं, आपके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। जो भी कांग्रेस पार्टी के विचारधारा का आदमी है उसके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। जो बीजेपी और टीआरएस के विचारधारा का आदमी है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। और तेलंगाना को एक और बात समझनी चाहिए, तेलंगाना के युवाओं को एक और बात समझनी चाहिए, जो केसीआर जी ने भ्रष्टाचार किया उसके कारण नरेंद्र मोदी का दबाव उन पर है।
लिकर स्कैम में जो भ्रष्टाचार किया वो सब एजेंसीज को मालूम है। इसीलिए मैंने कहा कि टीआरएस बीजेपी की बी टीम है और उन्होंने ये बात मान ली और अपना नाम बदल दिया। बीआरएस का मतलब बीजेपी रिश्तेदार समिति, और इनको हम यहां से हरा के दिखाएंगे। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं, आप हमारी रीढ़ की हड्डी हो और आप टीआरएस को बहुत आसानी से हरा सकते हो। आप में इतनी शक्ति है, आपने कर्नाटक में अपनी शक्ति दिखाई, अब यहां तेलंगाना में अपनी शक्ति दिखाओ। बीजेपी का काम नफरत फैलाना, कांग्रेस पार्टी का काम मोहब्बत फैलाना। जैसे मैंने यात्रा में कहा था, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। तेलंगाना में बीजेपी नहीं बची, खत्म हो गई। उनको पता नहीं लगा जैसे हाईवे पे गाड़ी चलती है और चारों टायर पंचर हो गए। अब तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी और बीजेपी की बी टीम के बीच में लड़ाई है। हमने विपक्ष को साफ कह दिया,